तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग के चैप्टर 5 को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक इसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे पहले उन्हें जाके देख लो। और जो भी लोग वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आने वीडियो मिस ना करो। तो लास्ट चैप्टर के नाम लोगों ध्यान, जो बड़ा सा स्टेचू होता है सभी पे अटक देता है जिसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है और यहाँ तक कि जो ग्रुप का लीडर होता है मिस्टर सोंग उनका भी लेफ्ट हैंड कट हो जाता है। और चैप्टर के एंड में मिस्टर सोंग और सांजिन उस बड़े से स्टेचू को देख रहे होते वहीं पर चैप्टर खत्म हो गया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जहाँ पर हमें पता चलता है जो ये पोर्टल होता है ये हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। और जो पहला पोर्टल ओपन हुआ था 10 साल पहले हुआ था और फिर उसके बाद से सिर्फ बहुत सारी घटनाएं होना चालू हो गई और हमें से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई जिसे हंटर कहा जाने लगा। और जिन लोगों की अवेकनिंग उन्हें परमानेंट पावर्स भी मिली और बाकी लोगों के साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर सांजिनो की भी अवेकनिंग हुई मगर उसकी कमजोर पावर के कारण वो ई रैंक की कैटेगरी में आ गया और वो एक एवरेज पर्सन से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर था मगर बहुत ज्यादा कमजोर भी था बाकी तो उससे हायर एक्सपीरियंस हंटर्स। और जिन लोगों की भी अवेकनिंग हुई वो पोर्टल के थ्रू डंजन्स के अंदर जाने लगे फाइट करने के लिए मैजिकल बीस्ट से और जो लोग ये काम जीने के लिए करने लगे उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा मगर कभी कभार इन गेट के उस पर बहुत ही खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं और तुम्हारा सामना उनसे होने पर तुम होपलेस फील करने लगोगे। और फिर सीन चेंज होता है वापस से करंट टाइम आ जाता है जहां पर सांजिनो मिस्टर सोंग से पूछ रहा होता है कि आप ठीक तो रहोगे ना क्योंकि आपकी ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुकी है। फिर मिस्टर सोंग रिप्लाई करते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और फिर मिस्टर सोंग बोलते हैं मुझे लगता है डंजन हम इजीली क्लियर कर देंगे हिलर्स लेके आया था और एक पे जिस पैटे को तो बिल्कुल ही खत्म हो गया और दूसरा वो कोने में बैठा जो डर के मारे कापरा बोल रहा मुझे जिंदा रहना मेरी मदद करो और तीसरी जो ही बी रैंक हिलर जिसने कभी भी कुछ ऐसा पहले एक्सपीरियंस नहीं करा इसलिए वो डर के मारे अभी भी काप रही है। तो बहुत मुश्किल होगा कि मुझे कोई हिल कर पाए और इस अपोनेंट ही आ गया हमें कुछ भी फालतू का ट्राई नहीं करना चाहिए और एक बार चीजें ठंडी हो जाए फिर हम फिगर आउट करेंगे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है मगर हाँ ये इजी नहीं होने वाला है। और फिर हम देखते ग्रुप में एक लड़की रो रही होती है बोलती है यहाँ पर हम कैसे फंस गए और एक दूसरा लड़का भी परेशान होते बोल रहा होता कि यार ये डी रैंक डंजन ही है ना। और फिर हम देखते सांजिन वो सोच रहा था कि मिस्टर सोंग के अनुसार अगर हम मूव करते तो हम पे अटैक होगा और अगर हम किसी तरह एग्जिट दरवाजे तक पहुंच जाते तो वहां पर एक और गार्ड खड़ा हुआ है जो हमें किसी हालत में बाहर नहीं जान देगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हंटर यहां से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था वो बोल रहा था मैं यहां पर ऐसे नहीं मर सकता और मैंने अभी हाल में एक बड़े से गिल्ड में साइन कराए तो मैं यहां पर नहीं मर सकता। और फिर वो रेडी हो जाता है यहां से भागने के लिए और इस हंटर को ऐसा कर देता है मिस्टर सोंग जोर से चिल्ला के बोले तुम क्या करो वहां से मूव मत करो मगर वो बंदा मिस्टर सोंग की कोई बात नहीं सुनता और रेडी हो जाता है वहां से निकलने के लिए और बोलता है ऑल राइट मैं ये कर सकता हूं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट में कौन है मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे तेज हो सकता हूँ और एक ही बार में दरवाजा तोड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो एकदम तेजी से भागता है और जो बड़ा वाला स्टैचू होता है वो उस पे शूट करने के लिए रेडी होता है। और फिर अगले सीन में मिस्टर सोंग और सांजिनो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि उस बंदे का नामो निशान तक नहीं बचा उसके सिर्फ 2 पैर के टुकड़े ही पड़े रह गए क्योंकि उसको बीच रास्ते में इस बड़े से स्टैचू ने फायर बीम शूट कर खत्म कर दिया। और ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी देखने के बाद हैरान रह जाते हैं और सांजिनो भी परेशान होते हुए बोला कि आप क्या करें क्योंकि इसका मतलब है ये स्टैचू हमें किसी भी मूवमेंट पे खत्म कर सकता है। और फिर मिस्टर सोंग दिन के लिए पक्का हमको माने एक मक्खी को माने से भी इजी होगा। फिर सांजिन वो बोलता है हाँ हमें अभी हाल ही मार सकते हैं मगर सवाल ये उठा कि इन्होंने ऐसा करा क्यों नहीं। फिर मिस्टर सोंग भी कहते हैं गुड क्वेश्चन सोचने वाली बातें। और फिर सांजिन वो सोचने लगता है इनके पास पावर से हमें किल करने की मगर इन्होंने करा नहीं और ये काफी डिफरेंट भी है मेजिकल बीस्ट से और ये स्टेचू गार्ड्स तभी अटैक करे जब हम डोर की ओर जा रहे हैं और ये बड़ा सा गॉड लाइक स्टेचू हम पे लाइट बीम शूट करा जब हम मूव कर रहे हैं तो इनके अटैक्स किसी तरह के रूल्स पे सेट है। और फिर एकदम से सांजिनो को देना रूल्स तो क्या इसका मतलब इस रूम के कुछ रूल्स है। और फिर वो उस स्टैचू की ओर देखता है जिसपे कमिटमेंट्स लिखी होती है कार्टेनॉन टेम्पल की और फिर वो समझ जाता है बोलता है हाँ यही है। और फिर वो मिस्टर सोंग से पूछता है कि पहली कमिटमेंट क्या थी। फिर मिस्टर सोंग रिप्लाई करते हैं क्या कमिटमेंट शायद पहली कमिटमेंट थी भगवान की पूजा करो। और फिर सांजिनो उस बड़े से स्टैचू की ओर देखने लगता है और फिर वो खड़े होते हुए मिस्टर सोंग को बताता है कि डंजन के कुछ रूल्स है और मिस्टर सोंग सांजिनो को ऐसा कर देता है घबरा जाता है बोलते तुम क्या करो क्या तुम पागल हो गए हो। फिर सांजिनो बोलता है जो मैं सोचा अगर वो सही है तो और मिस्टर सोंग सांजिनो के सीरियस लुक को देख के समझ जाता है कि ये बंदा सीरियस है। और फिर वो सांजिनो को बोलते कि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। और फिर सांजिनो बोले कि ये स्टैचू सभी मूव करने वाले बंदे पे अटैक नहीं करता। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप लोग अगली वीडियो मिस ना करो और मैं इसके अगले चैप्टर्स लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।